आज मुझे एक्चुअली कुछ काम है, तो इसलिए मुझे थोड़ा आईटीओ तक जाना है, और रास्ते में मैं फल भी लेता आऊँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी ले जाता हूँ। चलो काम हो गया है मेरा पूरा, अब मैं वापसी जा रहा हूँ। रोड देखो बिल्कुल खाली है भाई, मैंने अपनी लाइफ में ना सच बताऊँ मतलब इतनी खाली रोड नहीं देखी आज तक। तो ये बसेस वगैरह कहीं पर भी के लिए चले आओ। अब थोड़ा सा फल लेता जरूर जाऊँगा हाँ मैं रास्ते में ना, क्योंकि एक बार निकले तो सारा काम ही निपटाएं यार, क्यों बार बार बाहर निकलना है। यहाँ पर बैठे होते हैं कुछ फ्रूट्स वाले, तो देखते हैं अभी बैठे हैं कि नहीं बैठे, क्योंकि शायद इतना ट्रैफिक नहीं है तो नहीं बैठे होंगे। बट कोई दिख तो रहा है दूर वो सामने, हाँ है तो सही भाई। और कैसे दिए आम, कैसे दिए? आम 100 रुपए किलो। और जामुन और ये फल से भाई ये 60 रुपए पाव है, ये भैया 30 की पाव है, आप खा के ले लो। वो तो ठीक है, आधा किलो जामुन कर दो। अभी हमने लिए हैं जामुन, आधा किलो जामुन, 1 किलो अमरूद, 100 रुपए किलो अमरूद। जामुन 50 रुपए के आधा किलो और 100 रुपए किलो अमरूद। भाई हमारी नानी के घर में पेड़ था एक बार, मतलब है तो अभी भी, बट उतने अब अमरूद नहीं होते, अमरूद का पेड़ था। हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे, पेड़ पे बैठ रहते थे और वहाँ खाते थे, बहुत मीठे अमरूद होते थे। अब देखो 100 रुपए किलो लेने पड़ रहे हैं, कितना जमाना बदल गया। लीची लीची कैसे दी? 120। लीची कहाँ गए भैया? आम वाला भैया आम कैसे दिए दशहरी? आम भैया 100 का 1.5 किलो, 100 का 2.5 किलो। क्या होगा 10-5 रुपए? हाँ उससे होगा क्या 10-5 रुपए से? हाँ कुछ खाने के लिए चाहिए, आम दे दूँ? आम खाएगा? नहीं खाना, पैसे ही चाहिए। नहीं पैसे नहीं। एक छोटा सा बच्चा आया पैसा मांगने, कह रहा हाँ बच्चा लिखा, कह रहा भाई 5-10 रुपए दे दो। मैंने कहा भाई कुछ खा ले, आम ले ले, मेरे पास आम है, आम खाएगा? कह रहा नहीं। मैंने कहा देख खाने के लिए कुछ चाहिए तो दे दूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। कह रहा लीची 120 रुपए किलो। मैंने कहा भाई लीची तो मैं भी नहीं ले रहा, 5 रुपए लेके ही माना। ये नहीं सुधरेगा, देखो ये हमेशा यहीं बैठा रहेगा जब भी आऊँगा। हाँ बेटा आप आओगे बाहर, चलो बाहर चलो बाहर। क्या हो गया? इधर आ, फ्री क्या, तू क्या कर रहा है भाई पूरे दिन?
हाँ टूर्नामेंट किस चीज़ के? जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाए भगवान, तुम लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है। अरे स्क्रीन है मेरी यार। क्या है? वो टूर्नामेंट जा रहा है। कह रहा है स्क्रीन है इसकी, टूर्नामेंट। दसवीं पास हुई नहीं है और टूर्नामेंट खेलना है इनको। वो तो अच्छा हुआ कोरोना आ गया जो इनके बिना एग्जाम के इनको पास कर दिया, वरना मुश्किल था इनका हिसाब किताब।